तो गाइस, मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हमें ये स्मोक स्ट्रीम जनरेट करनी है। इस पार्ट में मैं आपको रेंडरिंग बताऊंगा किस तरह से हमें इसे रेंडर करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। शुरू करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी सिम है इसको दे देंगे हम स्ट्रीम। तो जो हमारी सिम है, और यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड भी ले रखा है, आप इसको सिंपल बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। मैंने एक ग्रिड ली है और उसमें बैंड लगा दिया है, जिससे कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैंड कर दिया है। तो बस यही था। और मैंने यहाँ पे एक कैमरा सेटअप है और उसमें एक एनिमेशन है पीछे की तरफ, इसको मैं ऑफ करता हूँ 1 मिनट, आप देख सकते हैं इस तरह की एनिमेशन है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे अब हम इसको मटेरियल तैयार करेंगे इसके। तो यहाँ पे जाएंगे मटेरियल पैलेट में। तो यहाँ पे जो मैंने मटेरियल क्रिएट किए थे इसके, वो है कप, प्रिंसिपल शेडर और पायरो शेडर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे कप पे, तो एक प्रिंसिपल शेडर है जिसमें मैंने कलर दिया इसको वाइट, और यहाँ पे रफनेस इसको 0 दिया, रिफ्लेक्टिविटी 1 दी है। तो ये हो गया कप का मटेरियल जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है कप पे और प्लेट पे, दोनों पे सेम मटेरियल। और बैकग्राउंड पे मैंने एक और मटेरियल डाला है ब्लैक कलर का, ये रहा प्रिंसिपल शेडर। इसमें कुछ नहीं है, बस मैंने इसका कलर ब्लैक किया है और इसको बैकग्राउंड पे डाल दिया है। अब बात आती है स्मोक ऑब्जेक्ट के लिए, तो स्टीम के लिए अब बात आती है स्टीम की। तो उसके लिए मैंने लिया पायरो शेडर। सिंपली आप जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे पायरो शेडर, तो ये आपको मिल जाएगा पायरो शेडर कोर और क्लासिक। तो हमें यूज़ करना है क्लासिक वाला। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसमें क्या किया है, इसमें मैंने यहाँ पे जनरल पे जाके इसको डेंसिटी को तो कम दिया है 0.05.5। ओके, और कलर जो है मैंने वाइट दे दिया है बिल्कुल। और क्या किया है मैंने यहाँ पे, हाँ, और जो स्मोक फील्ड पे जाके आपको शेप पे जाना है यहाँ पे, और इसको फिट टू रेंज करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे होगा क्या। पहले मैं इसको असाइन करता हूँ, तो मैं इस पर डालता हूँ स्टीम। तो मैं इसको अपनी स्मोक पे डाल लूँगा। तो यहाँ पे रेंडर पे जाएंगे और इसको असाइन करेंगे मटेरियल पे जाके स्टीम वाला। ये मैंने असाइन कर लिया, इसको 72 फ्रेम पे लाता हूँ। और अब मैं इसको आपको रेंडर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे कैमरा 1, एंड जो मेरा मंत्रा है नोड है, एक और नया नोड लेंगे, आउट पे जाएंगे। तो ये मैंने पहले यूज़ किया था, इसको और रहने देंगे। एक और लेंगे मंत्रा। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें कुछ नहीं करना, हमारा कैमरा सेलेक्टेड है और यहाँ पे सब चीज़ सही है। सिंपली इसको एक फ्रेम रेंडर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रेंडर पे क्लिक करता हूँ। तो ये उल्टा आ रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देंगे आप, ये सीधा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रेंडर निकल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं जो स्टीम है वो ज़्यादा डेंस आ रही है यहाँ पे, देखिए। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे थे मटेरियल में जाके, ये शेप में जाके फिट रेंज। तो सोर्स की रेंज लेंगे हम 0 से लेके 8 तक। अब जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, जो हमारी स्टीम है वो बहुत ज़्यादा ही बहुत कम डेंस हो जाएगी और एक स्टीम इफेक्ट देगी आपको रेंडर के बाद। तो हम इतना पार्ट इसको रेंडर करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे इसको मैं कम करूँगा, जैसे मैं 2 करता हूँ तो आप ये देखिए डेंस हो गई है, और मैं इसको 10 करता हूँ तो ये बहुत कम डेंस होगी। तो यही थी इसकी रेंडर सेटिंग्स, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिंपली इसको, अगर आपको सीक्वेंस निकालना है उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। आप जाएंगे मंत्रा नोड पे, ऑब्जेक्ट पे जाके आप जाएंगे इसके आउट पे, और यहाँ पे मंत्रा पे जाएंगे आप, इसको दे देंगे यहाँ पे फ्रेम रेंज, और आप ये फ्रेम रेंज यहाँ से देख लेंगे वो क्या है। और आप इसको डिलीट चैनल करके भी, यहाँ पे डिलीट चैनल करके भी आप मैन्युअली डाल सकते हैं। ओके, तो और इसके बाद क्या करना है आपको,
इमेजेस में जाके यहाँ पे आपको पाथ दे देना है अपना, इसको कॉपी कर लीजिएगा और नाम डाल के इसको पेस्ट कर देना वहाँ पे, तो पाथ वहाँ पे चला जाएगा। और क्या करना है आपको इसमें, इसमें आउटपुट में कुछ नहीं करना, यहाँ आपको कुछ नहीं छेड़ना है, आपको रेंडरिंग में जाना है और इसका यहाँ पे आके पिक्सल सैंपल है वो 10 कर देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉइस दिख रही होगी आपको, तो आप इसको जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो ये नॉइस ख़त्म हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे नीचे आके आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट्स में भी डिफ़ॉल्ट रहने देना है, शेडिंग में भी डिफ़ॉल्ट, रेंडर में जाके डिफ़ॉल्ट, और स्टेटिक्स भी डिफ़ॉल्ट, रे ट्रेसिंग भी यहाँ पे इनेबल रखनी है, और बाकी सब ठीक है। तो अब आपको इनको अलग अलग निकालना है, जैसे कि कप, प्लेट और बैकग्राउंड अलग, और जो हमारी स्मोक है वो अलग निकलनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब दोनों चीज़ें एक साथ रेंडर हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, इसको अलग निकालना है स्मोक को और इनको अलग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे कैंडिड कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे स्टार होगा, तो ये सबको सेलेक्ट कर रहा है, तो इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं है, अब हमें यहाँ पे जाना है फोर्स ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे हमें अपने जो जो हमें रेंडर कराने हैं वो ले लेंगे, कप, बैकग्राउंड, प्लेट, ओके, एक्सेप्ट। तो अब जो हमारा यहाँ पे लिया है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ओके। और यहाँ पे लाइट्स भी उसी तरह हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट कैसे क्रिएट करनी है इसमें। तो इसको बंद करते हैं, सीन व्यू पे आते हैं और यहाँ पे एक लाइट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको, इन्वायरमेंट लाइट पे, तो ये एक इन्वायरमेंट लाइट जनरेट हो गई है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है हमें, ओके। तो अब यहाँ पे एक डिस्टेंट लाइट भी हमें चाहिए जो कि इस तरफ से आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस 2, स्पेस 3, तो यहाँ पे हम आ गए फ्रंट व्यू पे, और यहाँ से हम एक डिस्टेंट लाइट चाहिए, तो उसके लिए हम डिस्टेंट लाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपली जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू में, स्पेस 1 क्लिक करके, और यहाँ पे इसको रोटेट करा लेंगे जिस डायरेक्शन में सनलाइट, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं लाइट दिख रही है आपको, इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से हम लाइट जनरेट कर लेते हैं। वापस से कैमरा व्यू पे जाते हैं, रेंडर व्यू पे जाएंगे और इसको दोबारा रेंडर करेंगे, तो अब ये दोनों लाइट वहाँ पे ले लेगा क्योंकि वहाँ पे स्टार है, ये देख सकते हैं आप। तो ये और अच्छा रेंडर आया है क्योंकि हमने लाइट जनरेट की है सीन में। ओके, तो अब हमें स्टीम स्टीम चाहिए सिर्फ, जो हमारी स्टीम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इसको रोकते हैं 1 मिनट, और जो फोर्स ऑब्जेक्ट्स हैं इसको हम डाल देंगे नीचे, और इसमें डालेंगे हम सिर्फ हमारी जो सिमुलेशन है स्टीम की। और अब आप देखिए ये हमारा सिर्फ स्टीम स्टीम रेंडर करेगा, और ये जो हमारा पार्ट है इस सबको मैट कर देगा, फोर्स मैट, तो ये सब एल्फ में कट जाएगा, तो बस उस वो ही वो जनरेट होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं प्लेट, कप और बैकग्राउंड का पार्ट जो है यहाँ पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने उसको फोर्स मैट में डाल दिया है, तो वो वहाँ से विजिबल नहीं होगा। तो अगर स्मोक इसके पीछे होगी तो वो नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप स्मोक का अलग रेंडर निकाल सकते हैं, स्टीम का अलग रेंडर निकाल सकते हैं, और कप का अलग रेंडर निकाल सकते हैं। सो ये थी हाउ टू क्रिएट स्टीम इफेक्ट इन हुडिनी। होप यू गाइस लाइक दिस ट्यूटोरियल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।